हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत कर आज मैं आपको 34 साइज के कटोरी कट ब्लाउज बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज इसे देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, सबसे पहले हम अस्तर पे कपड़े की कटिंग करेंगे, अस्तर पे निशान लगाएंगे, उसके बाद हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। स्क्रीन पर से आप नाप को नोट कर लीजिए। ये 34 साइज का ब्लाउज है, कमर जो है हमारी 30 इंच की है और शोल्डर हमारा 13 इंच का है और लंबाई है हमारी वो 14 इंच की है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड बनाएंगे। तो 14 इंच की लंबाई है तो हम 1 इंच बढ़ा के इसे लेते हैं तो हमारी लंबाई आ जाएगी 15 इंच की। देखिए, उसके बाद में देखिए हमारा शोल्डर यहाँ पे 13 इंच का है, 13 का हम आधा करते हैं और आधे में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास शोल्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 का आधा 6.5 और 6.5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास शोल्डर आ जाएगा यहाँ पे 5.5। देखिए, ये हमारे पास 5.5 शोल्डर आ गया है। उसके बाद में आर्म होल जो है हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, आर्म होल का यहाँ पे कोना बना लेंगे। पीछे के भाग की कटिंग हम 1.5 इंच पर करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो निशान लगाना है वो देखिए हमारा जो नाप है 34 सीने का है तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 30 इंच की है, 30 का चौथा हम करेंगे तो 7.5 आएगा और 7.5 में हम 1 इंच टक्स का जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। ये फिटिंग के निशान से हम फिटिंग का निशान मिला देंगे और मार्जिन के निशान से हम मार्जिन का निशान मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब देखिए, जो हमें गले की लंबाई रखनी है, पीछे का गला जो हमें रखना है वो 10 इंच का रखना है तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की जो चौड़ाई हमको रखनी है वो 2.5 इंच पे रखनी है। देखिए 2.5 इंच पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है। गले का शेप आप कोई भी आपके हिसाब से दे सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी आपको गोल पे ही बताऊंगी। अब देखिए, ये हमारा हो गया बैक साइड का निशान, 34 साइज का निशान है हमारा। सल का निशान हम यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर, और टक्स की जो लंबाई हम रखेंगे वो यहाँ पे कितने इंच की रखेंगे, 5 इंच की रखेंगे। देखिए ये हमारा बैक साइड बन गया है। बैक साइड मैंने आपको निकालना बता दिया है, बहुत इजी तरीके से बैक साइड मैंने आपको बताया है। अब देखिए मैं आपको इसका आगे का साइड बताऊंगी। आगे का साइड देखिए, जो हमारे नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं, जो नए लोग हैं जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो जो ये कटोरी कट ब्लाउज का जो नया और सरल तरीका है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, खुले भाग की तरफ से आपको ये 1.5 इंच की पट्टी अलग करनी है। देखिए मैं यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने खुले भाग की तरफ से मैंने एक 1.5 इंच की पट्टी का निशान लगा दिया है। यहाँ पे अब हमको यहाँ पे 5.5 इंच हमने शोल्डर का निशान लगाया। ये देखिए 5.5 हमने शोल्डर का निशान लगा दिया। 6 इंच का हमने यहाँ पे आर्महोल का निशान लगा दिया। ये देखिए, ये 6 इंच का मैंने आर्महोल का निशान लगा दिया। ये यहाँ पे आर्महोल की गोलाई के लिए निशान लगा रहे हैं हम। आर्महोल की गोलाई देखिए हम 1 इंच पे लेते हैं और 1/2 इंच पर देखिए हम यहाँ पे कंधी की तरफ से हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे ताकि हमारे आर्महोल में किसी प्रकार का झोल नहीं आए। अब ये देखिए, गला हमारा 2.5 इंच का है। अब यहाँ पे जो गले की हम लंबाई ले रहे हैं वो 6.5 इंच पर ले रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो गले की लंबाई ली है वो कितनी ली है, 6.5 ली है। अब हम इसे राउंड शेप में गले को बना देंगे। ये देखिए, अब हमारा हल्का सा शेप का निशान हम देंगे। अब ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाना बताया है। 1/2 इंच आपको बाहर की तरफ, जो 1.5 इंच की पट्टी है वहां पे आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालना है। अब देखिए, मेन पॉइंट आपका कटोरी का है तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। कटोरी के लिए देखो आपको क्या करना है, ये 4.5 इंच पर आपको तिरछा निशान लगाना है। ये देखिए, मैं यहाँ से बिल्कुल तिरछा 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4.5 इंच का तिरछा निशान लगाया और यहाँ पे आगे की तरफ गले की तरफ भी मैंने 4.5 इंच का तिरछा निशान लगाया। कटोरी की चौड़ाई हमें किस प्रकार निकालनी होती है, जो हमारा सीना है, सीने का जो चौथा भाग है उसमें हमें 1 कम करना होता है। यानी कि हमारा सीना 34 इंच का है, 34 का चौथा करेंगे तो हमारे पास
8 इंच आएगा और 8.5 में हम जब 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास कटोरी कितने की आ जाएगी, 7.5 इंच की आ जाएगी। ये देखिए हमारी कटोरी कितने की बनेगी, 7.5 इंच की बनेगी। मैंने 7.5 पे निशान मार्क किया है। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिलाना है। देखिए ये निशान हमको इस निशान से गोलाई में मिलाना है, पर हमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जो हमारे कंधी की और टुक्की के बीच की जो गोलाई है उसमें कम से कम 2.25 से 2.5 इंच का अंतर रहना चाहिए, यानी कि गैपिंग कम ना हो जाए। तो देखिए अब मैं इस निशान को इस प्रकार से मिला दूंगी। देखिए ये देखिए ये गोलाई वाले निशान को मैंने इस प्रकार से मिला दिया है। अब देखिए हमें सीने का निशान लगाना है। सबसे पहले 8.5 इंच पर हमारा सीना आएगा, लेकिन हमने यहीं पे हमें टुक्की कटिंग करनी है, कटोरी को कट करना है, इसीलिए हम फिटिंग की सिलाई आगे के भाग में 9 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच की है। 14 इंच की आपकी लंबाई है तो आपको आगे का भाग लगभग कितने इंच का रखना पड़ेगा, 12 इंच का। हमने जो लंबाई रखी है ब्लाउज की वो 14 इंच की रखी है, तो हमें इसमें लगभग आगे का भाग हमको कितने इंच का रखना पड़ेगा, 12 इंच का रखना पड़ेगा। तो देखिए हम ये 12 पे निशान लगा देंगे। ये हमारी कटोरी का निशान आ गया है और इस निशान को हमें इस प्रकार से मिला लेना है। देखो इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ से आपको लगभग 1.5 इंच का, देखिए मैं ये 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, एक निशान आपको यहाँ मिलाना है और एक निशान आपको यहाँ पे मिलाना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको निशान को मिलाना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे मिलाया, ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। ये देखिए इस प्रकार से आपने कटोरी का निशान लगाया और सीने का निशान मैं आपको बता चुकी हूँ 9 इंच पे लगाना है और नीचे का निशान भी आपको इसके बराबर में ही लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसका निशान मार्क करना है। अब देखिए सल लगाने का जो तरीका है हमारा वो देखिए यहाँ पे हमको कितने इंच का रखना है, 2.5 इंच का रखना है। सल की जो लंबाई हमको रखनी है वो 2.5 इंच की रखनी है और जो चौड़ाई हमें रखनी है वो 1.5 इंच की। देखिए सेंटर से 1.5 इंच हमें इधर लगाना है और सेंटर से 1.5 इंच हमें यहाँ पे लगाना है और दोनों निशानों को हमें इस प्रकार से मिला देना है। ये हमारे टक्स का निशान होता है। देखिए ये हमारा आगे का भाग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें नीचे बेल्ट की पट्टी निकालनी है। तो बेल्ट की पट्टी देखिए जो हमारे पास ये वाला पोर्शन खाली रहता है हम इसमें बेल्ट की पट्टी निकाल देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हम पहले आगे वाला भाग निकालेंगे। तो देखिए आगे वाला भाग हमको 3.5 इंच का चौड़ा रखना है। कमर हमारी 30 इंच की है तो 30 में हमने 7.5 और 7.5 में हमने 1.5 इंच जोड़ा तो हमारे पास 9 इंच आएगा। ये हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। कमर से आपको कमर की चौड़ाई के हिसाब से ही आपको बेल्ट को रखना है और इस प्रकार से आपको गोलाई में शेप लगाते हुए इसको तिरछा कर देना। देखिए इस प्रकार से आपने बेल्ट का निशान लगा लिया है और इस प्रकार से आपने आगे के भाग का निशान लगा लिया और पीछे के भाग का निशान। बचे हुए कपड़े में आप स्लिप की कटिंग कर लीजिए, जो कि हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देखकर अच्छे से उससे सीख सकते हैं। अब देखिए आपका जो मेन पार्ट है वो कटोरी वाला भाग है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से और क्लियरली आपको समझाया है। इस भाग को कट करके आपको मेन कपड़े पे रखना है और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको जब भी आप कटोरी को रखें, मैंने हमेशा आपको कहा है कटोरी कट करने के बाद आप जब मेन कपड़े पे रखते हैं तो उसे उरेक पोजिशन में रखें ताकि उसकी फिटिंग बहुत अच्छी और प्रॉपर आए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप 34 साइज की कटोरी बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले।